नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म TFC पर, जहाँ पे हम जो है SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट और थ्योरी दोनों को साथ साथ कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, नए फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम हमने क्या बताया था, 2-in-1 फॉर्मेट। ठीक है, 2-in-1 फॉर्मेट में अपनी क्लासेस को ले रहे हैं। ये हमारी हिंदी की क्लास है। ठीक है, आज हमारी फोर्थ क्लास है, जिसमें हम क्रिया को स्टार्ट करने वाले हैं। क्रिया थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें 1 से 2 या फिर 3 क्लासेस भी लग सकती हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम अपनी क्लासेस को आगे चलाएं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्रिया के साथ। क्रिया क्या है? जो शब्द किसी कार्य के होने को दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ठीक है, किसी कार्य के होने को दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं? हम क्रिया बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान में आ रहे होंगे क्रिया का नाम सुनते हुए, जिनके जैसे चलना, उठना, बैठना, रोकना। ठीक है, इस तरह के जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? जिसमें कार्य का दर्शाया जाए। चलना क्या है? कार्य हो रहा है ना, चल रहा है वो। ठीक है, बैठ कर रहा है, बैठने में कार्य हो रहा है, वो बैठ रहा है। टहलना, टहलने में क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। ठीक है, तो और दूसरा है, जब धातु या मूल धातु क्या होती है? वह शब्द जो शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। मूल धातु क्या है? या धातु अगर आपसे पूछे क्या है, जिनमें ना जोड़ने से, ठीक है, ना प्रत्यय, प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है ना, उपसर्ग पहले जोड़ते हैं और प्रत्यय। जब उपसर्ग प्रत्यय चैप्टर पढ़ेंगे वो जब का कॉन्सेप्ट है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय में अभी आप इतना जान लीजिए, उपसर्ग यानी कि पहले जुड़ने वाले, प्रत्यय यानी कि पीछे जुड़ने वाले। ठीक है, तो शब्द के पीछे यानी कि जो मूल धातु है उसके पीछे अगर हम ना जोड़ देंगे, ठीक है, उसमें ना प्रत्यय लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा क्रिया शब्द बन जाएगा। ठीक है, जैसे चलना, हंसना। हंसना में अब मूल शब्द क्या है, मूल धातु क्या है? हंस है, जैसे हंस है। ठीक है, उसमें हमने ना जोड़ दिया। ठीक है, तो ये है हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन क्रिया का। ठीक है, इसके दो प्रकार से भेद होते हैं। एक होते हैं कर्म के आधार पर, यानी कि अकर्मक और सकर्मक। एक होते हैं संरचना के आधार पर, उन्हें हम आगे अभी पढ़ें। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था क्रिया का, इसको ध्यान में रखना, इसी से रिलेटेड पूरा क्रिया का चैप्टर चलेगा और हम पूरा क्रिया का चैप्टर को इसी से पढ़ें। ठीक है, देख सबसे पहले आई हमारी वही डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है। शब्द जो किसी कार्य के होने को दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, क्रिया, संज्ञा या कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन है हमारा बी, क्योंकि आज हम क्रिया पढ़ रहे हैं तो क्रिया ही कहलाएंगे। ठीक है, शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसी के साथ साथ क्या था जो हमने दूसरी पढ़ी थी? मूल धातु। मूल धातु या धातु बोल दे आपसे, केवल मूल धातु ना बोले। ठीक है, मूल धातु क्या थी? मूल धातु थी किसी भी मूल धातु शब्द में अगर हम ना जोड़ देंगे, ठीक है, ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाएगा। ठीक, क्रिया। जैसे कि हस मूल धातु है, उसमें हमने प्लस कर दिया ना, तो क्या बन गया? हंसना। ठीक है, तो ये क्या है हमारी? ये क्रिया है। ठीक है, ये मूल धातु है। ठीक है, ये हमारा शब्दांश है और ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, अगर हम मूल धातु में क्या जोड़ते हैं? कोई भी शब्दांश, कोई नहीं, ना शब्दांश जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी भी चीज में ना जोड़ दो तो वही क्रिया बन जाएगी। ठीक है, अब कोई लिखा है राम और उसके पीछे ना जोड़ दो तो वो राम ना बन जाएगा, तो राम ना कोई शब्द होता है? कोई शब्द नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है, वाइसली जोड़ना है, क्योंकि जो कार्य हो रहे हैं, हंस क्या है? एक कार्य है। चल क्या है? चलना एक कार्य है। ठीक है, तो उन शब्दों में जोड़ने हैं जो कार्य के होने को दर्शाते हैं। ठीक है, उसे क्रिया बोलते हैं। और कार्य में अगर ना जोड़ देंगे तो जैसे कर, कर क्या है? कार्य करना, जैसे कर है, और उसमें ना जोड़ दिया तो करना हो गया, तो पूरा क्या बन जाएगा? वो क्रिया शब्द बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? अब हमारा ऑप्शन आता है कि कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो कितने हैं। कर्म के आधार पर अभी हमने डिस्कस किया था कितने हैं, क्या 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं? जी नहीं, हमारे ऑप्शन है 2 से ही, 2 हैं। कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। कर्म के आधार पर हमारे 2 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा अकर्मक, अकर्मक क्रिया, और दूसरा है सकर्मक। ठीक
है, ये हमारे दो भेद हैं, ये एक है ये दो, कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होता है, जो कर्म के बिना हो, ठीक है, अकर्म यानी कि बिना कर्म के, और सकर्म जो कर्म के साथ हो। ठीक है, कर्म के बिना, कर्म के साथ, ठीक है, ये हमारे क्या होगी, सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन पूछने वाला, कि क्वेश्चन पूछो, जो भी कोई आपके पास कोई भी एक सेंटेंस आया या कोई भी एक वाक्य आया, उसमें एक क्या लगा के प्रश्न पूछते हैं, अगर जवाब मिलता है तो वो क्या है, सकर्मक क्रिया है, और जवाब ना मिलने पर क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, राम रस्सी कूद रहा है, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, नहीं किया है तो थोड़ा सा क्लास को पीछे करके आपसे नोट कर लेंगे, इसमें हम एक देखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा कि राम जो है क्या, रस्सी कूद रहा है, राम रस्सी कूद रहा, ठीक है, ठीक है, तो राम रस्सी कूद रहा है। अब इसमें मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि राम, क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन लगाना कहाँ है, ठीक है, क्वेश्चन लगाना है कर्ता और क्रिया के बीच में, यहाँ पे कर्ता कौन है, कर्ता है हमारा राम, ठीक है, कर्ता है हमारा राम, और क्रिया क्या है, कूद, यानी कि कूदना, ठीक है, ये हमारी क्रिया है ना, कूदना हमारी क्या है, क्रिया है, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना है, क्या लगाना है, ठीक है, तो हम लगाएंगे राम, और कर्ता क्या है, कूदना, राम क्या कूद रहा है, तो इसमें आंसर नहीं मिल रहा हमें, ठीक है, राम क्या कूद रहा है, राम रस्सी थोड़ी कूद रहा है, ठीक है, कैसे कूद रहा है, ये नहीं है आंसर, ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो एक देख लेते हैं सकर्मक क्रिया का किस तरह से होगा। ठीक है, चलिए, सकर्मक क्रिया का आएगा, सकर्मक क्रिया का अब हम देख लेते हैं एग्जाम, ठीक है, चलिए, सकर्मक क्रिया का कैसे होगा, जैसे सकर्मक क्रिया, सकर्मक सकर्मक होता है, जैसे आकाश दिन भर खेलता रहता है, ठीक है, चलिए, आकाश दिन भर खेलता रहता है। अब सबसे पहले हमें इसमें ढूंढना है कि कर्ता क्या है, तो कर्ता कौन है, करने वाला आकाश है, तो ये कौन है, कर्ता, ठीक है, कर्ता कौन होता है, करने वाला, और इसमें क्रिया क्या है, खेलना, तो ये क्या है हमारी क्रिया, ठीक है, तो कर्ता और क्रिया के बीच में हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ठीक है, क्या, ठीक है, तो आकाश क्या खेलता है, ठीक है, तो इसमें हमें आंसर मिल रहा है, आकाश क्या खेलता है, आकाश खेल खेलता है, ठीक है, आकाश बैट बॉल खेलता है, आकाश क्या खेलता है, ठीक है, इसमें आंसर मिल रहा है, ठीक है, तो इसका ये हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ठीक है, ये सकर्मक क्रिया का हमारा उदाहरण, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे है हमारा, क्रिया का निर्माण होता है प्रत्यय जोड़ने से, मूल शब्द में ना जोड़ने से, ए व बी दोनों कोई नहीं, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देंगे, क्योंकि इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ठीक है, हिंट तो चलो इसमें क्या दें, लेकिन सारा का सारा आपके सामने जुड़ा हुआ है, सारी बातें अभी हमने पढ़ी हैं कि मूल शब्द में क्या लगाने से ना लगाने, ये तो इसने बता रखा है, लेकिन कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है अब आपको बताना है, इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा, ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन करके जाना है, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं अभी इसी क्लास में, अगर आपने ध्यान से, थोड़ा सा भी ध्यान से आप देख रहे होंगे चीजों को, ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया नहीं, क्या राम क्रिया है, क्रिया है, नहीं है, नहीं, क्रिया है, ठीक है, राम क्रिया है, किताब नहीं, कि राम के पीछे ना लगा के देखना, राम ना होगा, किताब ना, ऐसा तो कोई शब्द नहीं होता,
पेन के पीछे लगाएंगे हम पेन ना, ये भी नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चल, चल के पीछे हम ना लगाएंगे, चलना क्रिया शब्द है। ठीक है, चल। नेक्स्ट, भटकना शब्द में मूल धातु है। अब हमें बताना है मूल धातु के बारे में, पढ़ा था ना हमने मूल धातु कौन कौन सी होती है, ना है क्या? नहीं, ना क्या है, शब्दांश है जो कि हम क्रिया शब्द बनाने के लिए मूल धातु में लगाते हैं। ठीक है, तो भटक है क्या, भट है या भटकना है? तो भटकना तो पूरा ही शब्द आ गया, ये तो हो गई नहीं, भट भी नहीं होगा, क्या गायब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर रहेगा भटक। ठीक है, जैसे भटक प्लस ना, इससे क्या बनेगा हमारा, भटकना। ठीक है, और वो क्या होगा, क्रिया शब्द। ठीक है, तो मूल धातु क्या हुई हमारी, भटक। ठीक है, चल नेक्स्ट चलते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद हैं। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं, इसके बारे में हमें बताना। तो कितने भेद हैं, एक है, दो है, तीन है या फिर चार है? तो कितने हैं हमारे इसके भेद, हमारे दो भेद है सकर्मक क्रिया। ठीक है, दो भेद है, कौन कौन से हैं इनके बारे में अभी जानेंगे। एक तो होता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया, एक कर्मक। ठीक है, एक कर्मक। एक होता है हमारा द्वि कर्मक। ठीक है, द्वि कर्मक। एक कर्मक और द्वि कर्मक से आप क्या समझ रहे हैं? ठीक है, इस बात को आपको ध्यान करना है अपने ही अंदर अंदर कि आपको क्या समझ में आ रहा है। एक कर्मक से मतलब है जिसमें एक कर्म हो, ठीक है, एक कर्म मौजूद हो। और द्वि कर्म से क्या मतलब है, जिसके अंदर दो कर्म हो। ठीक है, दो कर्म, जैसे दो कार्य होने का पता चलता हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। इनको आप नोट कर लेंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के कितने एग्जाम्पल हैं, कितने भेद हैं, सॉरी, सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं, कितने हैं, दो हैं, एक एक कर्मक और एक द्वि कर्मक। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक कर्मक क्रिया के भेद। तो हमारा जो सबसे पहला होगा वो होगा एक कर्मक का भेद। ठीक है, जैसे कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, ठीक, क्या होगा, अध्यापक ने ने छात्रों को पढ़ाया, ये क्या होगा हमारा, एक कर्मक। ठीक है, इसमें क्या कहा है हमारा, कर्म छात्रों को। ठीक है, तो हमारा इसमें कर्म कितने हैं, एक कर्म है। लेकिन अगर ये हो जाता कि छात्रों ने सॉरी अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाया या फिर इंग्लिश पढ़ाया या फिर गणित पढ़ाया, ऐसा कुछ भी हो जाता, तो उसमें क्या हो जाते, दो ही कर्म हो जाते, एक छात्रों और दूसरा हिंदी। ठीक है, एक हो जाता हिंदी। ठीक, कि छात्रों को क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, तो ये द्वि कर्मक इस तरह से। ठीक है, जैसे एक है कि श्याम ने किराएदार को मकान दिया, इसमें क्या हो गए, द्वि कर्म हो गए, एक किराएदार और एक मकान। दुकानदार ने ग्राहक को सामान दिया, ठीक है, एक ग्राहक है और एक जो सामान है। अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म। सजीव क्या है, जो भाई जो कार्य को करा रहा है, जैसे छात्र है, तो ये कैसे है, ये सजीव है, और ये जो हिंदी है ये कैसी है, निर्जीव है, यानी कि इसके अंदर कोई जीवन नहीं है। ठीक है, तो ये दो तरह के कर्म और इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए सकर्मक क्रिया का कॉन्सेप्ट इतना है क्लियर हुआ। चलिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए पूरा एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, या फिर अपनी जो अगली क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले उन डाउट को हम क्लियर कर लेंगे। हाँ, एक बच्चे का डाउट था, कल एक कमेंट आया था उसमें कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/8 है या 1/4 है। ठीक है, इन सब कॉन्सेप्ट को छोड़ो, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, 0.25 मार्क्स आपका जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 0.25, ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी जीडी के अंदर है। ठीक
अब कितनी भी हो उस बात से आप कुछ नहीं, आपको गलत नहीं करना है, बस बेसिक चीज ये है, गलत करने से बचना है, क्योंकि नुकसान नुकसान है, चाहे 0.5 का हो या 0.1% का भी गलत है तो गलत तो गलती, ठीक है। नंबर कटेगा तो कटेगा, ठीक है, क्योंकि तो पॉइंटों में अगर जितनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कम होगी ना, बेसिक बात यही है, देखो जितनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कम होगी उतनी ही ज्यादा आपकी क्या बढ़ेगी, कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि तो नेगेटिव भी कम दी। अब मान लो एक कॉन्सेप्ट हो, एक तो नेगेटिव कम दे दी, दूसरा जो क्वेश्चन पेपर है वो आसान आ गया, तो आप मेरिट सोच सकते हैं कहाँ जाएगी, 90% से भी अबव जाएगी, बहुत ज़्यादा अबव चली जाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा चलेंगे कि नेगेटिव या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो आपके लिए एक खतरे का ही निशान साबित हो सकता है, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन होगा फिर उसमें, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में भी जीडी में तो सबके नंबर बढ़ते ही हैं, घटता किसी का नहीं। तो मान लो किसी का शिफ्ट आसान आ गई तो उसका घटाएंगे थोड़ी, बढ़ता ही बढ़ता रहता है उसमें तो, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि उससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, आप बस अपनी तैयारी पे अच्छे से ध्यान दें, बाकी सब चीजों पे ध्यान ना दें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, जो संरचना है उसके आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं, 5 है, 4 है, 6 है, 4 है या 9 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 5, ठीक है। अब 5 कौन कौन से हैं इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। दूसरा होगा हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, क्रिया, तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा हमारा नामधातु। अभी केवल आप इनके जो है नाम नोट कर लीजिए, आगे हम इनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या का, इनके कौन, इनके भी अगर कोई भेद है तो वो क्या है, ठीक है, इनका कार्य क्या है, ये कब इस्तेमाल में आते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, सारी चीजों को हम बड़े इत्मीनान से देखेंगे, ठीक है। एक है हमारा कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, ठीक है, ये 4 हो गए, इन 4 को नोट कर लीजिए। एक है हमारा फिर संयुक्त क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया, ठीक है, ये आपने लिख लिए होंगे, 4 तो ये हो गए वो आपके, और पांचवा कौन सा है आपका, संयुक्त क्रिया है पांचवा, ठीक है, संयुक्त क्रिया, क्रिया। अब संयुक्त क्रिया के भी कुछ भेद हैं, कितने भेद हैं संयुक्त क्रिया के, 11 भेद आपके संयुक्त क्रिया के, ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखें। एक तो ये पांचों भेदों को आप ध्यान में रखें, ठीक है, दूसरा इनके जो ये संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं, पांचवा जो भेद है संयुक्त क्रिया उसके कितने भेद हैं, 11 भेद, ठीक है। अब आपसे पूछे कि बताइए संरचना के आधार पर कितने भेद हैं, 5 है, कौन कौन से हैं, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और संयुक्त क्रिया, और संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं, 11 भेद, ठीक है। और कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, 2 भेद, कौन कौन से, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है, उसमें से सकर्मक के भी 2 भेद हैं आपके, कौन कौन से भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। द्विकर्मक कैसे होते हैं, द्विकर्मक में एक सजीव होगा और एक कैसा होगा, निर्जीव होगा, ठीक है, एक कर्मक में एक कर्म होता है, द्विकर्मक में 2 कर्म होते हैं, 2 कर्म कैसे होंगे, एक सजीव होगा एक निर्जीव होगा, जैसे वो छात्र और आपका पुस्तक वाला आया था, छात्र कैसे थे, सजीव थे, और पुस्तक कैसी थी आपकी, निर्जीव थी, ठीक है। तो इतनी बात है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया, देखिए संयुक्त क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं, 11 भेद होते हैं संयुक्त क्रिया, ठीक है। तो इनके नाम अगर आप लिखना चाहें तो मैं लिखा सकता हूं और आप लिख भी सकते हैं,
लिखने भी चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट भी, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का थोड़ी पता है वो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, उसकी तो अपनी मर्जी है भाई, वो तो जो चाहेगा वो पूछ लेगा हमसे, वो हम पे रहम थोड़ी करेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट होगा हमारा, पहला होगा हमारा आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है, संयुक्त क्रिया नहीं लिखूंगा, केवल जो मेन शब्द है उसके बाद संयुक्त क्रिया आप अपने आप लिखेंगे, जैसे फर्स्ट है आरंभ बोधक, ठीक है, तो इसके बाद आएगा एक संयुक्त क्रिया, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे संयुक्त और क्रिया आप अपने आप मेंशन कर ले। दूसरा होगा हमारा संपत्ति बोधक, समाप्ति बोधक, संपत्ति नहीं समाप्ति, समाप्ति बोधक, ठीक है। तीसरा होगा संपत्ति बोधक, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अभी केवल आप इनके नाम नोट कर लेंगे, आने वाली क्लास के अंदर हम इनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल देखेंगे और तब आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, अवकाश बोधक। फोर्थ है हमारा अनुमति बोधक, ठीक है, कुछ तो आपको इनके नाम से ही क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये किसके बारे में बात चल रही है, ठीक है, अनुमति बोधक क्या है, संयुक्त बोधक क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडिया साथ के साथ ही हो जाएगा, ठीक है, कि किसके बारे में ज़्यादा बात चल रही है, ठीक है। चलिए फिर आ जाता है आपका नित्यता बोधक, ठीक है, फिर कौन सा आएगा, नित्यता बोधक, ये बोधक शब्द भी हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा जगह के अभाव है, ठीक है। इनके बाद आप बोधक संयुक्त ये सब आप लगा लें, ठीक है। चलिए चार हो गए, पांचवा है हमारा नित्यता बोधक, ठीक है, बोधक ऐसे लिख लेंगे। सिक्स होगा आपका अनाशक्ता बोधक, अनाशय, ये है, ये अनाशयकता बोधक, ठीक है। नेक्स्ट है निश्चय बोधक, निश्चयवाचक बोधक, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा एट नंबर पे इच्छा बोधक, इच्छा बोधक, ठीक है। और हमारा नाइन नंबर पे है अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक, ठीक है। तो ये है हमारे कितने, नौ भेद, कौन कौन से, एक बार हम इन्हें रिपीट करेंगे, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, अनाशक्त बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय वाचक बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा संयुक्त, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, और एक है ये आपका अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। नौ हो गए, कितने हैं हमारे, 11, दो और रह गए, ये आपने नोट कर लिए, तो इनको हम यहाँ से हटा दें, ठीक। अगर किसी के रह गए हैं तो वीडियो को बैक करें, थोड़ा सा पॉज करके इन्हें लिख लें, ठीक है, क्योंकि ये आपको याद तो रहे, कम से कम नाम तो आपको याद रहने ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से, नौ हो गए थे, 10वें नंबर पे जो आता है वो हमारा आता है शक्ति बोधक, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। और 11वें नंबर पे हमारा आता है पुनरोक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, पुनरोक्त बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। ये हो गए हमारे 10 भेद जो कि संयुक्त क्रिया के माने, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये है हमारे कुछ 11 भेद जिनको हमने केवल नाम नाम लिखा है, आने वाले समय में इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इनके जो उदाहरण है उनके बारे में या उनको देखेंगे साथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक पर्यायवाची, केले का पर्यायवाची
नहीं है। काक, कदली, भानुफल, मोच। तो कदली भी है, भानुफल भी है, ठीक है, और आपका मोचा भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन काक किसका होता है? काक होता है कौवे का, ठीक है, कौवा, कौवे का होता है हमारा काक, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। ये वो बीच में डाल देते हैं, जैसे हर क्लास के अंदर हम कुछ ना कुछ पर्यायवाची पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये पर्यायवाची हैं, इनको आप एक जगह या फिर जैसे डेली आप किसी कॉपी में नोट करते हो, तो उनमें से एक कोई पेज ले लें बीच का, या कोई कुछ भी चीज ऐसी ले लें, उस पर एक जगह लिखते रहें, ठीक है, जिससे आपके पास जब तक आपका एग्जाम होगा इतने पर्यायवाची हो जाएंगे कि आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा पर्यायवाची में। उनको डेली बाय डेली पढ़ते भी रहें, ठीक है। ये नहीं कह रहा मैं आप रटें उनको, क्योंकि रट तो आप सकते ही नहीं, ठीक है, उनको पढ़ लें, उनसे फैमिलियर हो जाएं उन सब से, ठीक है, ताकि अगर आपको कहीं भी दिमाग में कोई भी शब्द आया, ठीक है, तो एकदम वो पॉइंट करना चाहिए आपके माइंड में कि इसका मैंने पढ़ रखा है, इसका ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप पर्यायवाची शब्दों करने में सक्षम रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, किरण का पर्यायवाची नहीं है, जो किरण है उसका पर्यायवाची नहीं है। तो क्या आंसू है, कर है, रश्मि है, या तट है? तो इसका तट नहीं है, क्योंकि तट किसका होता है? किनारे का होता है, बाकी सब है, ठीक है। तट किसका होता है? किनारे का, किनारे का होता है हमारा तट, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नगर का विलोम है। नगर का विलोम क्या होगा? शहर, शहर नगर एक ही बात है, कस्बा नहीं, ग्राम, ग्राम जो है वो हमारा नगर का विलोम है। देश किसका है? विदेश। चलिए, यह देश का क्या होता है? विदेश होता है। अति का विलोम है, अल्प, अधिक, बहुत, या ज्यादा? तो अति क्या होती है? बहुत ज्यादा, मतलब किसी चीज की अति, ठीक है। अल्प क्या होता है? कमी, ठीक। तो ये अल्प इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए ये कुछ एग्जाम्पल आ गए, इनको हम रखेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए आपके इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, और थोड़ा सा आराम से पढ़ना भी, क्योंकि क्रिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ठीक है। क्यों अकर्मक, सकर्मक, ये सब, इनको अगर आप एक दिन में ही सब कुछ अपने अंदर डालने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा आप डगमगा जाएंगे, जिससे आपका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए हम रखते हैं यहाँ तक ही, ठीक है। आपके लिए अगर कोई होमवर्क दिया जाए तो क्या होना चाहिए? वो होगा ये जो अधिक है इसका आपको विलोम बताना है, अधिक का विलोम शब्द क्या हो, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। अब आपको आज दो कमेंट या दो, फिर दो होमवर्क मिल गए, ठीक है, दो का आपको उत्तर देना है। एक पहले दिया था, ठीक है, उसका तो खैर उत्तर मैंने दे रखा है अंदर ही, आपको तो बस अगर आपने ध्यान से देखा है, बस टिक करना है, वो ही है, सी या कुछ भी डाल देना। इसका कमेंट में पूरा पूरा लिखना है कि अधिक का विलोम शब्द क्या हो, ठीक है। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए, अपने आप को और बेहतर दिन बाय दिन बनाते रहिए। धन्यवाद।